भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भाई जब तक बिग बॉस में थे उनकी कभी सिद्धार्थ शुक्ला से नहीं पटी। आए दिन उनका और सिद्धार्थ शुक्ला का क्लैश होता ही रहता था, लेकिन अब बिग बॉस 13 से निकलने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में खेसारी लाल यादव क्या कह रहे हैं हम आपको आज बताएंगे। एक्चुअली सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला ही बिग बॉस के असली विनर हैं। जी हाँ, जो भी बिग बॉस में मसाला चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस को दे रहे हैं और इस हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला ही विनर होंगे। और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई तीन कौन से दावेदार होंगे, टॉप 3 में किसको देखते हैं, तो उन्होंने असीम रियाज और सना का भी नाम ऐड किया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से शो को अच्छी TRP मिल रही है, सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ैन फॉलोइंग पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, सिद्धार्थ शुक्ला को लोग पसंद कर रहे हैं। एक कंटेस्टेंट को जीतने के लिए जो चाहिए सभी कुछ सिद्धार्थ शुक्ला में मौजूद है। फिर चाहे आप उनका एग्रेशन देख ले, फिर चाहे आप उनसे कुछ भी करवा ले, सिद्धार्थ शुक्ला हर एक मायने में फिट बैठते हैं। भाई सिद्धार्थ शुक्ला के प्रति खेसारी लाल यादव के बदले तेवर को देखकर यही लग रहा है कि उन पर भी सिद्धार्थ शुक्ला का रंग चढ़ गया है। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला से ज़्यादा खेसारी शहनाज की बातें करते नज़र आते हैं। वो कहते हैं शहनाज दिल की बहुत अच्छी है, शहनाज ही असल मामले में बिग बॉस 13 की विनर है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलरिटी के चलते भाई सिद्धार्थ शुक्ला को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे देखा जाए भाई बिग बॉस के घर में अगर किसी ने सभी को हंसाया है अपनी हरकतों से तो वो कोई और नहीं शहनाज है। और जब खेसारी बिग बॉस के घर में भी थे तब उनकी शहनाज से बड़ी जमती थी। वैसे देखा जाए जब खेसारी बिग बॉस के घर में थे तब उनकी शहनाज से बहुत जमती थी, वो शहनाज की तारीफ करते हर वक्त नजर आते थे और शहनाज भी उनका पक्ष रखते हुए नजर आती थी। लेकिन जब खेसारी ने विदाई ली भाई बिग बॉस के घर से तो शहनाज फूट फूट कर रोई। वैसे खेसारी के विदाई लेने पर तो हर कोई रोया क्योंकि खेसारी को हर कोई समझता था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।